हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटोहोलिक बाय श्रेणिका। और आज हम डिस्कस करेंगे रेनिनकुलेसी फैमिली को, जिसको बटरकप फैमिली भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, मैंने कुछ रेनिनकुलेसी फैमिली के मेंबर्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया। जैसे ये जो पर्पल एंड पिंकिश कलर के आप फ्लास देख रहे हैं, दिस इज़ बेसिकली द प्लांट ऑफ क्लिमेटिस एंड अदर टू आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द रेनिनकुलेसी फैमिली, तो इसको बटरकप फैमिली भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, फिर भी एक दूसरे से कितने ज़्यादा डिफरेंट है। तो हम रेनिनकुलेसी मेंबर के बेसिक फीचर्स को जानेंगे और उसके साथ हम इसके दो इम्पॉर्टेंट मेंबर्स को भी डिस्कस करेंगे। और ये जो पार्ट है फैमिलीज का डिस्क्रिप्शन के बीएससी के सिलेबस में रहता है। तो लेट्स स्टार्ट सिस्टमैटिक पोजीशन। सबसे पहले जो रेनिनकुलेसी फैमिली है इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन की बात करते हैं, तो हम जिस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे वो क्लासिफिकेशन है बैंथम एंड हुकर का। जो बैंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग जो डिवीजन है इस फैमिली की, जो डिवीजन है वो किस डिवीजन के अंडर आता है, ये फेनेरोग्राम्स एंड फेनेरोग्राम्स के बाद जो इसकी क्लास रहती है वो है डाइकोटिलेडॉन्स क्लास हो गई, पॉलीपिटेले सब क्लास हो गई। क्लास के बाद आता है सब क्लास, तो पॉलीपिटेले जो है वो सब क्लास हो गई। पॉलीपिटेले क्योंकि इनमें पेटल्स जो है वो फ्री होती हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होती, दैट्स वाई इनको पॉलीपिटेले सब क्लास में रखा गया। उसके बाद जैसे कि आपको पता है कि जो इस सब क्लास के अंदर 14 सीरीज होती हैं, तो उसमें से जो थैलेमी फ्लोरे सीरीज है उस थैलेमी फ्लोरे सीरीज के अंदर इसको प्लेस। उसके बाद ऑर्डर जो होता है वो ऑर्डर है रेनिल्स, और उसके बाद फैमिली जो कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो फैमिली है रेनिनकुलेसी। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई रेनिनकुलेसी की, आप इसको ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाया लीफ को समझाने के लिए, अभी हम आगे वैसे लीफ के कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, सो कीप दिस पिक्चर इन योर माइंड। सबसे पहले इसके हैबिट के बारे में डिस्कशन करते हैं। हैबिट का मतलब होता है कि प्लांट होता कैसा है, ये प्लांट एक हर्ब है, एक मतलब इस फैमिली में जो प्लांट्स होते हैं, इस फैमिली के अंदर जो प्लांट्स आते हैं वो हर्ब्स हैं या श्रब्स हैं, अंडर श्रब्स हैं या फिर ट्रीज हैं, वो चीज़ हम हैबिट के अंदर स्टडी करते हैं। और हैबिटेट क्या होता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड हैबिटेट। तो हैबिट तो हो गया कि प्लांट किस टाइप का आपका, हर्ब है, श्रब है या अंडर श्रब है या फिर ट्री है, और हैबिटेट का मतलब होता है कि वो किस जगह पर पाया जाता है, वो किस प्लेस पर ग्रो करता है, टेम्परेट रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन्स में, एरिड रीजन्स में, ये उसके हैबिटेट हो गए। तो हैबिट के अंदर जैसे कि बताया गया प्लांट्स आर एनुअल और पेरिनियल हर्ब्स, प्लांट्स जो हैं वो हर्ब्स होते हैं और एनुअल और पेरिनियल, एनुअल यानी कि वो एक ही ग्रोइंग सीजन में ग्रो करते हैं और पेरिनियल यानी कि दे कंटिन्यू आफ्टर वन ग्रोइंग सीजन, एक ग्रोइंग सीजन के बाद वो दोबारा ग्रो करते हैं, दोबारा ग्रो करते हैं, दोबारा ग्रो करते हैं, मोर देन वन और टू ईयर्स वो ग्रो करते हैं। और हर्ब्स के अलावा क्लाइंबिंग श्रब्स भी इन प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे क्लिमेटिस लिखा है ना यहाँ पे क्लाइंबिंग श्रब का एग्जांपल, तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट पिक्चर शो की थी इसमें मैंने आपको बताया था ये जो वायलेट कलर के फ्लावर्स हैं ये क्लिमेटिस के, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि क्लाइंबिंग श्रब है, इट इज़ अ क्लाइंबिंग श्रब। एंड नेरोविलिया भी एक इसका मेंबर होता है, जिसकी भी हैबिट क्या होती है, क्लाइंबिंग श्रब की। रेयरली ट्रीज, रेनिनकुलेसी फैमिली के अंदर रेयरली ट्रीज होते हैं, दे पेरिनेट बाय मीन्स ऑफ ट्यूबरस रूट्स ऑफ राइजोम्स, ट्यूबरस रूट्स। देखो पेरिनेट का मतलब क्या होता है, पेरिनेट का मतलब होता है एक ग्रोइंग सीजन के बाद दोबारा ग्रो करना, दिस इज द मीनिंग ऑफ पेरिनेट। तो जब भी कोई प्लांट पेरिनेट करेगा एक ग्रोइंग सीजन के बाद वो दोबारा ग्रो करेगा, तो उसके पास कोई ना कोई ऑर्गन होगा पेरिनेशन के लिए। तो यहाँ पर जो ऑर्गन होता है वो होता है राइजोम्स, द ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन इज। और मुझे अगर आपको राइजोम का एग्जाम्पल देना होगा तो मैं आपको जिंजर का एग्जाम्पल दूंगी। आप जो जिंजर देखते हैं ना, इट इज बेसिकली अ राइजोम। आप उसको जाकर सॉइल में प्लेस कर दो और वहाँ से वो ग्रो करने लगेगा। सो राइजोम जो है ये एक रिड्यूस्ड रूट होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ रिड्यूस्ड रूट्स, जिनकी मदद से प्लांट पेरिनेट करता है। अब हमने हैबिट को डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं रूट्स के ऊपर। सो मैंने आपको इसकी क्लास क्या बताई थी, डाइकोटिलेडॉन्स। तो डाइकॉट्स के अंदर कौन सी टाइप की रूट्स पाई जाती हैं, टैप रूट्स पाई जाती हैं। तो बेसिकली जो रूट्स हैं वो टैप रूट्स होंगी, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एडवेंटिशियस और ट्यूबरस रूट्स भी पाई जाती हैं, जो कि बेसिकली डाइकॉट्स का फीचर होता नहीं है, बट एडवेंटिशियस एंड ट्यूबरस रूट्स भी पाई जाती हैं एकोनीटम और रेनिनकुलिस में। द टैप रूट सिस्टम इज़ इन द इनिशियल स्टेज बट सूनर और लेटर रिप्लेस बाय द एडवेंटिशियस रूट्स। लेकिन होता क्या है, शुरुआत में इन प्लांट्स के अंदर भी जिनके अंदर ट्यूबरस रूट्स पाई जाती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स पाई जाती हैं, शुरुआत में इनके अंदर भी होती क्या है, टैप रूट सिस्टम ही होता है, लेकिन जैसे ये प्लांट ग्रो करता जाता है तो वो जो टैप रूट सिस्टम होता है उसको एडवेंटिशियस रूट्स रिप्लेस कर देती हैं। अब इसके स्टेम के बारे में बात करते हैं, तो स्टेम जो है वो हर्बेशियस होती है। हर्बेशियस का मतलब हो गया वो स्टेम ग्रीन होती है एंड डेलिकेट होती है इन सम क्लाइंबिंग क्लिमेटिस और अंडरग्राउंड राइजोम और इरेक्ट और ब्रांच्ड। हर्बेशियस होती है और जो स्टेम है वो क्लाइंबिंग हो सकती है, जैसे कि क्लिमेटिस के अंदर जो स्टेम है वो क्लाइंबिंग होती है,
इरेक्ट होती है, यानी कि सीधी स्ट्रेट खड़ी रह सकती है स्टेम, और ब्रांच्ड होती है यानी कि उसके अंदर ब्रांचेस पाई जाती हैं। लीव्स के बारे में बात करते हैं। लीव्स जो होती हैं जनरली सिंपल होती हैं। सिंपल लीव्स किसे कहा जाता है? सिंपल लीव्स उन लीव्स को कहा जाता है जिनके अंदर जो इंसीजन होता है वो जब मिडरिप को टच नहीं करता, व्हेन द इंसीजन डू नॉट टच द मिडरिप द लीव इज़ कॉल्ड सिंपल, और व्हेन द लीव डू नॉट हैव एनी इंसीजन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सिंपल। जब लीव के अंदर कोई इंसीजन ही नहीं है तब भी हम उसको सिंपल कहेंगे, और जब लीव के अंदर इंसीजन तो है पर वो मिडरिप को टच नहीं कर रहा तब भी उसको सिंपल कहा जाता है। तो जो लीव्स होती हैं वो सिंपल होती हैं, ऑल्टरनेट होती हैं, यानी कि अगर आप एक स्टेम देखोगे तो उसके अंदर लीव कैसे प्रेजेंट होगी, एक लीव राइट साइड पर एंड देन एक लेफ्ट साइड पर, एक राइट साइड पर, एक लेफ्ट साइड पर, तो ऑल्टरनेट होती हैं एंड अपोजिट, यानी कि एक दूसरे के सामने होती हैं। ऑल्टरनेट और अपोजिट दो कैरेक्टर्स को मिक्स मत करिएगा, ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, ऑल्टरनेट और अपोजिट, ठीक है। ऑल्टरनेट जब लीव आमने सामने प्रेजेंट होंगी लेकिन एक के ऊपर एक, एक लीफ आपको लेफ्ट साइड एक नोड पर एक ही लीफ ग्रो करेगी। ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी में एक नोड पर एक ही लीफ ग्रो करेगी, एक लेफ्ट साइड पर, एंड देन उसके ऊपर जाकर आपको एक राइट साइड पर एक लीफ मिलेगी, फिर उसके ऊपर जाकर एक लेफ्ट साइड पर मिलेगी, फिर उसके ऊपर जाकर एक राइट साइड पर मिलेगी। अपोजिट में क्या होता है, एक दूसरे के सामने होती हैं लीव्स, और जो कि क्लिमेटिस में पाया जाता है। एक्स स्ट्यूपुलेट रेयरली स्ट्यूपुलेट, यानी कि एक्स स्ट्यूपुलेट का मतलब होता है स्ट्यूपल्स आर नॉट प्रेजेंट, स्ट्यूपल्स प्रेजेंट नहीं होते। स्ट्यूपल्स क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है जो लीफ पेटियो, जो लीफ स्टॉक होता है, उस लीफ स्टॉक के अंदर आपको एक अपेंडेज, एक लीफ लाइक अपेंडेज ही देखने को मिलेगी, उस लीफ लाइक अपेंडेज को स्ट्यूपल कहते हैं। तो स्ट्यूपल्स प्रेजेंट होते नहीं हैं और हो भी सकते हैं रेयरली, लेकिन एक रेयर कंडीशन है। रेयर कंडीशन जैसे कि थैलेक्ट्रम एक प्लांट मेंबर है इसका, इस फैमिली का, जिसके अंदर स्ट्यूपल्स पाए जाते हैं। शीथिंग लीफ बेस, यानी कि लीफ बेस के नीचे एक शीथ प्रेजेंट होगी। पेटियोलेट रेयरली सेसाइल, जो लीव्स होती हैं वो पेटियोलेट होती हैं, यानी कि लीव्स के पास एक पेटियोल होता है अच्छा खासा, रेयरली सेसाइल, रेयरली वो सेसाइल होती हैं लीव्स। डेल्फिनियम हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, डेल्फिनियम को, डेल्फिनियम के अंदर जो लीव्स हैं वो सेसाइल होती हैं। लीव्स सेसाइल होने का मतलब है यानी कि वो मूव नहीं कर सकती, मूव करने का मतलब है जब विंड ब्लो करेगी तो वो मूव नहीं होंगी क्योंकि वो सेसाइल हैं, दे डू नॉट हैव अ पेटियोल। इन सम एक्यूटिक स्पीशीज लीव्स में शो डायमॉर्फी, डायमॉर्फी का मतलब क्या होता है, डायमॉर्फी का मतलब होता है टू काइंड ऑफ, दो टाइप की लीव्स वो शो कर सकती हैं अपनी लाइफ में, तो वो चीज़ देखने को मिलती है कुछ एक्यूटिक स्पीशीज़ के अंदर। उसका नाम भी दिया है जिसे स्पीशीज़ के अंदर ये देखने को मिल सकता है, रेनिनकुलेस एक्वाटिलिस, यूनिकॉस्केट और मल्टीकॉस्केट रेटिकुलेट वेनेशन। मैंने आपको क्लास कौन सी बताई थी, डायकोटिलेडन्स, तो वेनेशन कौन सा होगा, रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन का मतलब क्या होता है, वेनेशन का मतलब होता है वीन्स का अरेंजमेंट, रेटिकुलेट अरेंजमेंट होता है। और मल्टीकॉस्केट और यूनिकॉस्केट का मतलब क्या, दोनों टाइप का यहाँ पे पाया जा सकता है, यूनिकॉस्केट रेटिकुलेट वेनेशन भी पाया जा सकता है और मल्टीकॉस्केट रेटिकुलेट वेनेशन भी पाया जा सकता है। यूनिकॉस्केट वेनेशन तब होता है जब एक सिंगल मिडरिप होती है, और मल्टीकॉस्केट तब होता है जब मिडरिप्स एक से ज़्यादा हो, एंड रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है जो वीन्स हैं वो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर जब बना लेती हैं तो उसको रेटिकुलेट वेनेशन बोला जाता है। इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं, इनफ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ दी फ्लावर्स, फ्लावर्स जो हैं प्लांट के अंदर उनका अरेंजमेंट कैसा है। ये एंजियोस्पर्मिक फैमिली है तो फ्लावर्स तो होंगे, तो इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। सॉलिटरी टर्मिनल, यानी कि सॉलिटरी टर्मिनल, जब टर्मिनल पर यानी कि एपेक्स पर, स्टेम की एपेक्स पर जब कोई फ्लावर प्रेजेंट है और वो अकेला प्रेजेंट है, यानी कि एक सिंगल फ्लावर जब प्रेजेंट है तो उसको सॉलिटरी टर्मिनल बोला जाता है, जो कि एनेमोने में देखने को मिलता है। एक्सिलरी यानी कि साइड्स में ग्रो कर रहा है, स्टेम के साइड में ग्रो कर रहा है, एक्सिल से वो फ्लावर निकल रहा है, तो उसको क्लिमेटिस बोला जाता है। और रेसीम, रेसीम का मतलब क्या होता है, एक्रोपेटल मैनर में वो फ्लावर ग्रो करेगा, यानी कि एपेक्स पे यंग फ्लावर्स होंगे और ओल्ड फ्लावर्स बेस में होंगे। और साइमोस कंडीशन भी देखने को मिलती है, साइमोस कंडीशन में बेसिपेटल ऑर्डर होता है, जो न्यू फ्लावर्स होते हैं वो बेस में देखने को मिलते हैं और जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं वो एपेक्स पे देखने को मिलते हैं। अब फ्लावर के बारे में डिस्कस करते हैं, ये इन्फ्लोरेसेंस हो गई। फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर इज पेडिसिलेट, पेडिसिलेट यानी कि फ्लावर के पास भी अपनी स्टॉक होती है। ई ब्रैक्टिएट यानी कि ब्रैक्ट होता नहीं है, ब्रैक्ट क्या होता है, ब्रैक्ट्स आप देखोगे तो ये भी देखने में आपको लीफ लाइक ही लगेंगे, और ब्रैक्ट के एक्सेल में से हमेशा फ्लावर जो है वो ब्रैक्ट के एक्सेल में से ग्रो करता है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लावर ये जो है ये ई ब्रैक्टिएट होते हैं, इनके अंदर ब्रैक्टिएट नहीं होता, और रेयरली ब्रैक्टिएट, रेयरली हो सकता है कभी कभार आपको ब्रैक्टिएट मेंबर्स देखने को मिल जाए। हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल कंडीशन, तो बाइसेक्सुअल कंडीशन होती है लेकिन यूनिसेक्सुअल भी देखने को मिलती है थैलेक्ट्रम में। मोस्टली एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं मोस्टली।
एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक जो सिमिट्री होती है इसको रेडियल सिमिट्री भी बोला जाता है. रेडियल सिमिट्री का मतलब होता है, या एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री का मतलब होता है, जब आप लॉन्गिट्यूडनल प्लेन्स जो कि रेडियस से पास होंगे, सेंटर से पास होंगे, यानी कि रेडियल प्लेन्स के अलोंग जब आप इस फ्लावर को टू इक्वल हाफ्स में कट कर सकते हो तो ये एक्टिनोमॉर्फिक कहलाएगा. और रेयरली जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स भी देखने को मिलते हैं, रेयरली जाइगोमॉर्फिक. जाइगोमॉर्फिक होती है बाइलेटरल कंडीशन, यानी कि सिर्फ एक ही प्लेन के अलोंग, एक ही मीडियन प्लेन के अलोंग जब आप इसको कट कर सकते हो टू इक्वल हाफ्स में, तो उसको जाइगोमॉर्फिक कंडीशन बोला जाता है. हाइपोगाइनस, जो फ्लावर्स हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं, यानी कि जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है. फ्लावर हाइपोगाइनस है एंड ओवरी क्या होगी, सुपीरियर होगी. हाइपोगाइनस फ्लावर का कैरेक्टर है और सुपीरियर ओवरी ओवरी का कैरेक्टर है. इसका मतलब क्या होता है, जो बाकी जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, पेटल्स एंड्रोशियम वगैरह, वो सब ओवरी के नीचे अटैच होंगे. जब वैन कैलेक्स कोरोला एंड एंड्रोशियम अराइज फ्रॉम बिलो द ओवरी, फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस. जब कैलेक्स कोरोला और एंड्रोशियम ओवरी के नीचे से ग्रो करते हैं तब फ्लावर को हाइपोगाइनस कहा जाता है. और फ्लावर कंप्लीट होता है, कंप्लीट यानी कि इसके अंदर जो सारे वर्ल्स होते हैं, एंड कोरोला, कैलेक्स, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, वो सारे वर्ल्स जब प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर तब उसको कंप्लीट बोला जाता है. और पेंटामेरस, पेंटामेरस यानी कि जो प्लांट के पार्ट, जो फ्लावर के पार्ट्स हैं, फ्लावर को कंप्लीट बोला जाता है. मैंने प्लांट तो नहीं बोल दिया था, फ्लावर को कंप्लीट बोला जाता है जब उसके अंदर चारों वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं. और पेंटामेरस यानी कि जो चारों वर्ल्स हैं, वर्ल्स की जो चीज़ें हैं जैसे कि पेटल्स, सेपल्स और एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ये सब फाइव या फाइव के मल्टीपल्स में प्रेजेंट होंगे, इसलिए उसको पेंटामेरस बोलते हैं. अब चलते हैं एंड्रोशियम पर. एंड्रोशियम क्या होता है, ये मेल वर्ल होता है. तो एंड्रोशियम के अंदर स्टैमेंस जो है वो इनडेफिनेट होती है. स्टैमेन जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, स्टैमेन इनडेफिनेट इन नंबर. इनडेफिनेट का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल है, ये नहीं है कि इनडेफिनेट का मतलब होता है कि कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, हमें कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं बता सकते. पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस यानी कि एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड तो ये होते नहीं हैं. स्पायरली अरेंज्ड ऑन दी थैलेमस, जो जो स्टैमेंस होते हैं वो थैलेमस के ऊपर स्पायरली अरेंज होते हैं. इन्फीरियर यानी कि ओवरी के नीचे प्रेजेंट होते हैं ना, इन्फीरियर होते हैं. डाइथीकस होते हैं यानी कि इनके अंदर दो थीका प्रेजेंट होते हैं. एंड एक्सट्रोस एंड एडनेट. एक्सट्रोस का मतलब क्या होता है, एक्सट्रोस का मतलब होता है कि जब एंथर बस्ट होगा तो आउट ये ओवरी को फेस नहीं करेगा, ओवरी को फेस नहीं करेगा. जब ओवरी को फेस करता है, जब एक एंथर ओवरी को फेस करता है, ओवरी को फेस करते हुए बस्ट होता है तो उसे इंट्रोस कंडीशन कहा जाता है. और जब वो जो फेस ओवरी के साइड है एंथर का, वो साइड से बस्ट नहीं कर रहा, वो अपोजिट साइड से बस्ट कर रहा है, यानी कि वो जो जहाँ से वो बस्ट कर रहा है वो पार्ट ओवरी को फेस नहीं कर रहा, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रोस कंडीशन. एंड एडनेट, एडनेट का मतलब क्या होता है, एडनेट का मतलब होता है इन दिस द फिलामेंट एक्सटेंड थ्रू आउट द होल लेंथ ऑफ द एंथर फ्रॉम बेस टू द एपेक्स. एडनेट कंडीशन में जो फिलामेंट होती है वो पूरी की पूरी एंथर से अटैच होती है, एंथर के बेस से लेकर एंथर के टॉप तक वो उससे अटैच होगी, उस कंडीशन को एडनेट कंडीशन कहा जाता है. गाइनोशियम पर चलते हैं. गाइनोशियम क्या होता है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर. पॉलीकार्पलरी, मोर कार्पल इन डेल्फिनियम एंड 3-5 इन एकोनिटम. पॉलीकार्पलरी यानी कि कई सारे कार्पल्स होते हैं, एक्सेप्शन भी है डेल्फिनियम में एक ही होता है, और 3-5 एकोनिटम में होते हैं. एपोकार्पस, रेयरली सिनकार्पस. एपोकार्पस का मतलब होता है फ्री होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं होते, रेयरली सिनकार्पस होते हैं. नाइजेला जो मेंबर है इसमें सिनकार्पस कंडीशन देखने को मिल जाती है. ओवरी सुपीरियर होती है, तो हमने फ्लावर में देख लिया था फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी सुपीरियर होगी. एंड मार्जिनल प्लासेंटेशन, मार्जिनल प्लासेंटेशन का मतलब होता है ओव्यूल्स जो है वो प्लासेंटा के मार्जिन पे प्रेजेंट होंगे. फ्रूट के बारे में डिस्कस करते हैं. जब ओवरी मैच्योर हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, फ्रूट का डेवलपमेंट होगा. वो फ्रूट के अगर आप टाइप्स को देखेंगे तो कई सारी वेरिएशन आपको देखने को मिलती है. सबसे पहले आपको याद रखना है जो फ्रूट है वो एग्रीगेट होगा. एग्रीगेट में वो इटेरियो फॉलिकल भी हो सकता है, वो इटेरियो ऑफ बेरीज भी हो सकता है, इटेरियो ऑफ ड्रूप्स भी हो सकता है. मैं आपको बताती हूँ एग्रीगेट फ्रूट क्या होता है.
एग्रीगेट फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो कि पॉलीकार्पलरी और एपोकार्पस गाइनोशियम से ग्रो करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो गाइनोशियम है वो पॉलीकार्पलरी और एपोकार्पस है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है एग्रीगेट फ्रूट के लिए। तो एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या होता है? एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है एक कई सारी चीज़ों का जुड़कर इकट्ठा हो जाना, एक ग्रुप बनाना। तो वही है यहाँ पर, जो फ्रूटीलेट्स होते हैं कई सारे छोटे छोटे, हर एक कार्पल से एक फ्रूटीलेट बनेगा। हर एक जो कार्पल है, क्योंकि ये पॉलीकार्पलरी कंडीशन होती है ओवरी के अंदर, तो हर एक कार्पल से एक फ्रूटीलेट बनता है और वो सारे फ्रूटीलेट का जो ग्रुप्स है वो मिलकर एक एग्रीगेट फ्रूट बनाता है, और उस एग्रीगेट को इटेरियो बोला जाता है। उस फ्रूटीलेट्स के ग्रुप को, उस एग्रीगेट को इटेरियो बोला जाता है। तो इट कैन बी इटेरियो ऑफ फॉलिकल, इट कैन बी इटेरियो ऑफ ड्रूप्स, इट कैन बी इटेरियो ऑफ बेरीज, ये सारे टेरियोज यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे मैं आपको ड्रूप के बारे में बताऊँ, तो आपने मैंगो को देखा होगा, तो मैंगो इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ड्रूप, जिसके अंदर एक एपिकार्प होता है जो उसका पील होता है, जो उसका छिलका होता है, इट बिहेव्स एज एपिकार्प। फिर मिडल यानी कि बीच में एक मीजोकार्प होता है, जो उसका ईडेबल पार्ट होता है वो मीजोकार्प होता है, और स्टोनी हार्ड एंडोकार्प उसके अंदर होता है। तो उन्हीं ड्रूप्स के इटेरियो को वो यहाँ पर पाया जाता है। और इटेरियो ऑफ बेरीज, बेरीज तो आप सब जानते हैं, बेरीज जो होती हैं वो मैनी सीडेड भी हो सकती हैं, सिंगल सीडेड भी हो सकती हैं, और उनमें जो एपिकार्प है वो लेदरी होता है, और जो मीजोकार्प और एंडोकार्प है बेरीज के अंदर वो फ्यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर इटेरियो ऑफ बेरीज पाए जाते हैं। इटेरियो ऑफ बेरीज का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका कस्टर्ड एप्पल, ये आपका इटेरियो ऑफ बेरीज का एग्जाम्पल हो जाएगा। ये डेल्फिनियम का मेंबर नहीं है, लेकिन कस्टर्ड एप्पल, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर सिंपल पॉड भी पाया जाता है। पॉड का मतलब जैसे मटर का पॉड होता है वैसी पॉड, यहाँ पर सिंपल पॉड में भी फ्रूट पाया जा सकता है। और कैप्सूल भी पाया जा सकता है। कैप्सूल जो है, ये जो कैप्सूल है ये भी हम पॉलीकार्पलरी ओवरी से डेवलप होता है, पॉलीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होता है, सुपीरियर और इन्फीरियर ओवरी से डेवलप हो सकता है। और सीड जो होती हैं सिंपल ऑयली एंडोस्पर्मिक, जो सीड्स होती हैं दे आर क्वाइट सिंपल, ऑयली होती हैं यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग होती है, और एंडोस्पर्मिक यानी कि सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है। ये हमने बेसिक फीचर्स को डिस्कस कर लिया रेनिनकुलेसी फैमिली के। अब हम इसके मेंबर्स को डिस्कस करते हैं, जैसे कि डेल्फिनियम एजेसिस, जैसे लार्क स्पर भी बोलते हैं, डेल्फिनियम एजेसिस लार्क स्पर, इसको आप डिस्कस करेंगे। तो ये स्पर वर्ड पर आप ध्यान देना, ये स्पर वर्ड आगे आएगा जो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। रूट्स जो होती हैं वही टैप रूट और ब्रांच होती हैं, स्टेम जो होती हैं इरेक्ट होती है, हर्बेशियस होती है, ग्रीन होती है, सिलिंड्रिकल होती है, यानी कि आप स्टेम को देखोगे ना तो आपको सिलिंड्रिकल शेप की दिखाई देगी। कुछ हेक्सागोनल शेप की स्टेम्स होती हैं, कुछ आप स्टेम्स जो हैं वो पॉलीगोनल शेप की होती हैं, पेंटागोनल शेप की भी होती हैं। यहाँ पर जो स्टेम रहती है वो सिलिंड्रिकल रहती है, हेयर ही होती है यानी कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड होती है और ब्रांच्ड होती है, स्टेम है ब्रांच्ड होती है। यहाँ पर मैंने डेल्फिनियम का पिक्चर लगा है, इसके जो फ्लावर्स हैं वो कितने ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं देखने में, यू कैन सी हेयर। लीव्स जो होती हैं वो रेमल एंड कॉलिन का मतलब होता है, जो लीव्स हैं ये मेन ब्रांच पे भी ग्रो करती हैं, जब मेन ब्रांच पे ग्रो करती हैं, मेन स्टेम पे ग्रो करती हैं दे आर कॉल्ड कॉलिन, मेन स्टेम पे वो ग्रो करती है तो उनको कॉलिन बोला जाता है, और वो ब्रांचेस पे भी ग्रो करती है तो रेमल। तो यहाँ पे ब्रांचेस और स्टेम, मेन स्टेम दोनों पे ग्रो करती हैं, तो द कंडीशन ऑफ द लीफ इज रेमल एंड कॉलिन। अल्टरनेट होती हैं, सिसाइल होती हैं, सारे टर्म्स मैं अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक्सस्टिपुलेट होती हैं, लीनियर विद एक्यूट एपेक्स। एक्यूट एपेक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूट एपेक्स? एक्यूट एपेक्स का मतलब होता है जो लीफ है वो थोड़ी सी पॉइंटेड होती है। आप एग्जांपल के लिए हिबिस्किस, जिस गुरहल की जो लीफ होती है उसकी लीफ अगर आपने देख, एग्जांपल है वो थोड़ी सी पॉइंटेड होती है, तो उसी तरीके से इसकी भी जो लीफ होती है वो एक्यूट होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, एपेक्स, एक्यूट एपेक्स होता है उनका। हेयरी जो लीफ है वो हेयरी होती हैं, और रेटिकुलेट वेनेशन, अगेन डाइकॉट प्लांट है तो रेटिकुलेट वेनेशन तो होगी ही। इनफ्लोरेसेंस सिंपल टाइप रेसीमा और रेसीमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। फ्लावर्स जो है वो ब्रैक्टिएट होते हैं, हमने देखा था कि जो जनरली जो ये रेनिनकुलेसी जो फैमिली रहती है इसमें ई ब्रैक्टिएट कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं वो ब्रैक्टिएट हैं। ये डेल्फिनियम का जो फ्लावर है ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्टिलिएट एंड पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब क्या होता है, फ्लावर के पास पेडिसिल होता है, हर्माफ्रोडाइट मीन्स इट इज़ बाइसेक्सुअल, कंप्लीट, चारों वल्व्स प्रेजेंट हैं, परफेक्ट फ्लावर है, जाइगोमॉर्फिक है, स्पर्ड
स्पर्ड एंड हाइपोगाइनस, ओवरी सुपीरियर, और स्पर्ड का मतलब यहाँ पर एक स्पर प्रेजेंट होती है, फ्लावर में एक स्पर प्रेजेंट होती है। स्पर के कई सारे फंक्शंस रहते हैं, जैसे कि कभी कभी जो स्पर का मतलब क्या होता है, स्पर का मतलब होता है एक आउटग्रोथ, प्लांट में से एक आउटग्रोथ निकलना, किसी प्लांट के किसी पार्ट का एक्स्ट्रा ग्रो करना, उसको स्पर बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो स्पर का फंक्शन रहता है वो होता है नेक्टर को प्रोड्यूस करना। कैलेक्स 4 और 5, कैलेक्स के जो मेंबर्स रहेंगे वो 4 और 5 रहेंगे, कैलेक्स के अंदर मेंबर्स यानी कि सेपल्स जो हैं वो 4 और 5 रहेंगे, और पॉलीसेपेलस, पॉलीसेपेलस भी हो सकती हैं, पोस्टीरियर सेपल मोडिफाइटेड इनटू अ लॉन्ग बैकवर्डली डायरेक्टेड ट्यूबुलर स्पर। जो पोस्टीरियर सेपल होती है यानी कि पीछे वाली जो सेपल होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है, एक लॉन्ग स्पर में, ट्यूबुलर शेप की लॉन्ग स्पर में, और क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्पर का डायग्राम, ये देखिए आपको पीछे स्पर दिखाई दे रही होगी यहाँ पर, लेट मी शो यू, ये दिस इज द स्पर, ये आपको स्पर शो हो रही है, ये देखिए फ्लोरल डायग्राम में देखिए ये स्पर को शो किया है जो पोस्टीरियर सेपल से ग्रो कर रही है। ये जो फ्लावर्स हैं इनके अंदर भी स्पर देखने को मिल रही है। क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन? क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन का मतलब होता है दो जो आपकी सेपल्स रहेंगी वो कम्प्लीटली अंदर होंगी, और दो जो सेपल्स होंगी वो कम्प्लीटली बाहर होंगी, और एक जो सेपल होगी वो ट्विस्टेड होगी, यानी कि उसका एक पार्ट बाहर होगा और एक पॉइंट बाहर होगा और एक पॉइंट अंदर होगा, ये क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन होती है। कोरोला के अंदर 4 पेटल्स होती हैं, गैमोपेटेलस यानी कि वो पेटल्स एक दूसरे में फ्यूज होती हैं, 2 लार्ज एंटीरियर पेटल्स एनक्लोज द एसेंशियल ऑर्गन्स, जो दो एंटीरियर पेटल्स होती हैं, आगे वाली जो दो लार्ज एंटीरियर पेटल्स होती हैं वो एसेंशियल ऑर्गन्स को एनक्लोज करती हैं, क्योंकि जो दो छोटी पोस्टीरियर पेटल्स हैं वो स्पर का फॉर्मेशन करेंगी। इम्ब्रिकेट और वेलवेट एस्टिवेशन, एस्टिवेशन जो है वो इम्ब्रिकेट और वेलवेट रहती है। एस्टिवेशन का मतलब क्या, एस्टिवेशन से आप क्या मतलब समझते हैं? एस्टिवेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कैलेक्स और कोरोला में जो सेपल्स और पेटल्स हैं उनका क्या अरेंजमेंट है। तो हम कैलेक्स के एस्टिवेशन को पढ़ते हैं और कोरोला के एस्टिवेशन को पढ़ते हैं। कैलेक्स का एस्टिवेशन हमने देखा क्विंक्विंशियल है, कोरोला का जो है वो इम्ब्रिकेट और वेलवेट होता है। वेलवेट में तो जो एजेस हैं वो एक दूसरे को सिंपली टच करती हैं, ओवरलैप नहीं करती, और ट्विस्टेड में वो ओवरलैप करती हैं। ट्विस्टेड हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं, हमें इम्ब्रिकेट पढ़ना है। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इम्ब्रिकेट में वन पेटल इज कम्प्लीटली एक्सटर्नल, एक पेटल जो है वो कम्प्लीटली एक्सटर्नल रहती है, एंड वाइल वन इज़ कम्प्लीटली इंटरनल, एक कम्प्लीटली इंटरनल रहेगी और बाकी जो बची हुई होंगी वो कैसी होंगी, एंड इन ईच ऑफ द रिमेनिंग 3, 1 मार्जिन इज इंटरनल एंड 1 मार्जिन इज एक्सटर्नल, बाकी बची हुई 3 में 1 मार्जिन इंटरनल रहेगा, 1 मार्जिन एक्सटर्नल रहेगा। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो फ्लावर्स हैं वो पेंटामेरस होते हैं। नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट, नेक्टर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। नेक्टर ग्लैंड्स इसके इस डेल्फिनियम फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वायलेट कलर के फ्लावर्स होते हैं। मैंने आपको शुरू में अभी डायग्राम दिखाया था डेल्फिनियम का, तो फ्लावर्स जो है वो वायलेट कलर के होते हैं। एंड्रोशियम इनडेफिनेट स्टेम्स, पॉलीएंड्रस कंडीशन, स्पाइरली अरेंज इन 5 ग्रुप्स ऑफ 3 स्टेम्स ईच, 5 ग्रुप्स होते हैं स्टेमिन्स के और एक ग्रुप में 3 स्टेमिन्स होते हैं। ऑल्टरनेटिंग विद पेटल्स, पेटल्स के साथ ऑल्टरनेटिंग प्रेजेंट होते हैं। फिलामेंट्स फ्लैटेंड, फिलामेंट्स जो होते हैं वो फ्लैट होते हैं। एंथर्स बेसिफिक्स्ड, बेसिफिक्स्ड एंथर्स का मतलब क्या होता है, बेसिफिक्स्ड एंथर का मतलब होता है जो फिलामेंट है वो एकदम स्टेमिन के बेस से अटैच होगी, उसे बेसिफिक्स्ड कंडीशन कहते हैं। एंड डिहेसेंस बाय लेटरल स्लिट्स, स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं साइड्स में, उन्हीं से ये बस्ट होता है। एंड एक्सट्रोस कंडीशन, एक्सट्रोस कंडीशन होती है। गाइनोशियम मोनोकार्पलरी, यानी कि एक ही कार्पल प्रेजेंट है गाइनोशियम में, मोनोकार्पलरी। यूनिलोक्युलर ओवरी, ओवरी जो है वो यूनिलोक्युलर है, उसके अंदर एक ही लोक्यूल है, ओवरी सुपीरियर है, मार्जिनल प्लासेंटेशन है, द प्लासेंटेशन इज मार्जिनल प्लासेंटेशन, स्टाइल शॉर्ट बट कर्व्ड, स्टाइल जो है वो शॉर्ट होता है बट कर्व्ड, छोटा सा स्टाइल होता है लेकिन कर्व्ड होता है वो। स्टिग्मा सिंपल एंड हेयरी, जो स्टिग्मा होता है वो सिंपल होता है बट हेयरी होता है, उसके ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। और जो फ्रूट होता है वो फॉलिकल होता है, फॉलिकल फ्रूट आप जैसे देख सकते हो, जैसे कि आपने कैलेट्रोपिस देखा होगा उसके अंदर बेसिकली फॉलिकल फ्रूट पाया जाता है, सिंपल है, कॉमन एग्जाम्पल है, उसी का तरह का यहाँ पे फ्रूट पाया जाता है फॉलिकल। फ्लोरल डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, तो BR का मतलब है ब्रैक्टिएट और BRL का मतलब है ब्रैक्टुलेट, एंड परसेंटेज का जो सिंबल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जो परसेंटेज का सिंबल है ये परसेंटेज का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है
ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री को, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री एंड बाइसेक्सुअल कंडीशन एंड कोरोला जो कैलेक्स है उसके अंदर 4 to 5 सेपल्स आपको मिलेंगे, कोरोला 4, एंड्रोशियम इंडेफिनेट, गाइनोशियम मोनोकार्पलरी होता है और कैसा है ओवरी सुपीरियर है, इसलिए जो जी है उसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, जब ओवरी सुपीरियर होती है तो जी के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है। ये डायग्राम है, यहाँ पर आपको फ्लोरल डायग्राम शो किया गया है, ये मैंने इसके अंदर अरेंजमेंट शो कर दिया है कि जो एंटीरियर पार्ट है वो नीचे रहता है, पोस्टीरियर पार्ट जो है वो पीछे रहता है मदर एक्स, और जो ऊपर ये जो दिस इज मदर एक्सिस, दिस पॉइंट इज मदर एक्सिस, ये मदर एक्सिस। और ये फ्लोरल डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं जो पोस्टीरियर सेपल्स हैं और जो पोस्टीरियर पेटल्स हैं वो मिलकर क्या बना रहे हैं, वो मिलकर इस पर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो मैंने आपको बातें बताई थी कि 5 ग्रुप्स में स्टेमिन्स होते हैं और 5 ग्रुप्स में स्टेमिन्स होते हैं और एक ग्रुप में 3 स्टेमिन्स होते हैं, वो कंडीशन भी यहाँ पर देखी जा सकती है। मार्जिनल प्लासेंटेशन कंडीशन भी देखी जा सकती है, यूनिलोक्युलर ओवरी वाली कंडीशंस भी देखी जा सकती है, ब्रेक्ट भी देखे जा सकते हैं और ब्रेक्टियोल्स भी देखे जा सकते हैं। पोस्टीरियर और एंटीरियर साइड जो होती हैं कैसे डिसाइड होते हैं, जैसे कि मदर एक्सिस की साइड से, मदर एक्सिस की तरफ से आप खड़े होकर मदर एक्सिस के अपोजिट आप खड़े हैं, मदर एक्सिस जो है उसके अपोजिट आप खड़े हैं और आप प्लांट को देख रहे हैं, तो जो प्लांट आप मदर एक्सिस के ऊपर देखेंगे आप उसको पोस्टीरियर नाम दे देंगे और जो पार्ट आप मदर एक्सिस के नीचे देखेंगे आप उसको एंटीरियर नाम दे देंगे। एग्जाम्पल 2 यानी कि मेंबर 2 रेनिनकुलेसी स्क्लेरिटस जिसको बटरकप बोला जाता है उसको डिस्कस करते हैं। ये मैंने ये डायग्राम है इसमें आप शो कर देख सकते हैं कि तो चुटकू सा प्लांट है, इस चुटकू से प्लांट के अंदर चुटकू से येलो कलर के फ्लावर निकल रहे हैं एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल। रूट स्टेप एंड ब्रांच, स्टेम जो होती है वो हर्बेशियस होती है, इरेक्ट सिलिंड्रिकल, ग्लैबरस का मतलब होता है जो स्टेम है वो स्मूथ होती है, स्मूथ, और ब्रांच्ड होती है, सॉलिड होती है। नोड एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट, नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। नोड्स आप जानते हैं जहाँ पर लीफ अटैच होगी उसे नोड कहा जाएगा और दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड कहते हैं। ग्रीन इन कलर्स, लीव्स जो होती हैं वो अल्टरनेट होती हैं, पेटियोलेट कंडीशन यहाँ पर होती है यानी कि लीव्स जो उनके पास पेटियोल एक्सिस ट्यूपलेट मल्टी कॉस्केट रेटिकुलेट वेनेशन। इनफ्लोरेसेंस इज साइमोस इनफ्लोरेसेंस पाई जाती है। फ्लावर जो है वो पेडिसिलेट होता है, ब्रैक्टेट, हर्माफ्रोडाइट, एक्टिनोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस एंड कंप्लीट फ्लावर होता है और येलो कलर का होता है। ये चुटकू से फ्लावर को इनकम्प्लीट मत समझ लेना, चुटकू से फ्लावर जो है वो कंप्लीट है और येलो इन कलर है। कैलिक्स 5 सेपल्स होते हैं, अभी हमने डेल्फिनियम देखा, डेल्फिनियम अजेसिस जिसके अंदर जो सेपल्स थे वो कितने थे, 4 to 5 थे, यहाँ पर 5 हैं। और पॉलीसेपेलस कंडीशन है यानी कि सेपल्स जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, फ्यूज़ नहीं है। पेटेलॉयड पेटल्स लाइक, जो सेपल्स हैं वो देखने में पेटल लाइक लगते हैं इसलिए उनको पेटेलॉयड बोला जाता है और उनके अंदर भी क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन पाया जाएगा। कोरोला के अंदर 5 पेटल्स होते हैं, पॉलीसेपेलस होते हैं। ओबोवेट शेप होती है यानी कि ओवल तरीके की आप शेप समझ सकते हैं, तो वो ओबोवेट शेप होती है पेटल्स की। नेक्टरी प्रेजेंट एट द बेस ऑफ ईच पेटल, हर पेटल के बेस पर नेक्टरी जिससे नेक्टर बनेगा, जो नेक्टर बनाएगा वो प्रेजेंट होता है। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन यहाँ पर होती है, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जिसमें एक सेपल, एक जो पेटल है वो इंटीरियर रहेगी, एक एक्सटीरियर आएगी, बाकी की 3 जो है वो ट्विस्टेड होंगी जिनका एक मार्जिन अंदर होगा और एक मार्जिन बाहर होगा, ये ट्विस्टेड का मतलब होता है। एंड्रोशियम स्टेमिन्स मैनी पॉलीएंड्रस स्पायरली अरेंज फिलामेंट लॉन्ग एंथर्स येलो पेसिफिक्स एक्सट्रोस डायथिकस, सारी कंडीशन सेम है। गाइनोशियम जो है वो पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस होता है यानी कि वही वो जो कार्पल्स हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं होंगी। ओवरी सुपीरियर मल्टीलोक्युलर, यहाँ पर मल्टीलोक्युलर कंडीशन है, अभी डेल्फिनियम में हमने देखी थी यूनिलोक्युलर कंडीशन थी। बेसल प्लासेंटेशन, जो प्लासेंटा है, जो प्लासेंटा से जो ओव्यूल्स हैं वो बेस पर अटैच होगा तो वो बेसल प्लासेंटेशन होगी, एक लोक्यूल में एक ही ओव्यूल होगा और स्टाइल जो है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, द स्टाइल इज पुअरली डेवलप्ड, स्टाइल जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होता यानी कि स्टिग्मा और ओवरी जो है वो बहुत बहुत पास होंगे, स्टाइल जो है पुअरली डेवलप्ड है। तो फ्लावर भी तो देखा आपने कितना छोटा सा है, स्टिग्मा जो है वो सिंपल होता है और स्टिकी होता है, स्टिग्मा तो स्टिकी होगा ही, सारे प्लांट का स्टिकी होता है वैसे तो। फ्रूट जो है वो इटेरियो ऑफ एक्नेस, एक्नेस का इटेरियो होता है। एक्नेस क्या होते हैं देखो, एक्ने जो होता है उसके बारे में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहली बात तो ये वन सीडेड ड्राई फ्रूट होता है, ड्राई होता है ये खाने में, फ्लैशी नहीं होता और वन सीडेड होता है। वॉट डिड आई से एक्ने, सॉरी वो वीडियो बनाते बनाते
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, अकीन, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अकीन, जो फ्रूट है इट इज़ एन इटेरी ऑफ अकीन्स, अकीन्स का इटेरी होता, इटेरी होता है, इटेरियो तो मैंने भी बताया था, जो फ्रूटीलाइट्स का ग्रुप होता है इट इज़ कॉल्ड इटेरियो। एंड अभी मैं क्या बता रही थी, अकीन जो होता है ये एक वन सीटेड ड्राई फ्रूट होता है और ये सुपीरियर ओवरी से ग्रो करता है, सुपीरियर मोनोकार्पलरी ओवरी से ग्रो करेगा। इसके अंदर जो पेरिकार्प है वो फ्यूज़ नहीं होती, सीड कोट के साथ पेरिकार्प फ्यूज़ नहीं होती। देन इटेरियो ऑफ एकिनीज इज़ फाउंड, अकीन्स इज़ फाउंड, फ्लोरल फार्मूला दे रखा है, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट एंड जाइगोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, जाइगोमॉर्फिक डेल्फिनियम में था, जहाँ पर हमने परसेंटेज से शो किया था, यहाँ पर परसेंटेज नहीं है। जब ये वाला सिंबल आपको देखने को मिलेगा, वन मिनट, ये जो सिंबल है ये आपको देखने को मिलेगा तो आपको समझ जाना है ये दिस इज़ फॉर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन, दिस इज़ फॉर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन विच इज़ कॉल्ड रेडियोसिमेट्री, ओके, रिमेंबर दिस। देन द फ्लावर इज बाइसेक्सुअल, कैलेक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोशियम इंडेफिनेट, गाइनोशियम इज ऑल्सो इंडेफिनेट, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉलीकार्पलरी ओवरी, गाइनोशियम जो है वो पॉलीकार्पलरी होता है और सुपीरियर है, इसलिए जी के अंदर, जी के नीचे एक अंडरलाइन आएगी। ये फ्लोरल डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं जो पेटल्स मैंने बनाई हैं यहाँ पर, जो पेटल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हैं, द पेटल्स आई हैव ड्रॉन, ये देखिए ये जो पेटल्स हैं इनके अंदर नेक्टरीज दिखाई हैं, जो सर्कुलर सर्कुलर पार्ट आपको दिख रहा है ना, दिस इज़ नेक्टरीज, नेक्टरी, नेक्टरी है ये, नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं। और ये यहाँ पर हमारा जो डेल्फेनियम और रेनिनकुलेस दो मेंबर्स को हमने डिस्कस किया और रेनिनकुलेसी फैमिली को हमने डिस्कस किया। होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, थैंक यू।